नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। राम के नाम पर तो सभी मांगते हैं, सम्राट योगी शाह मोदी से लेकर मांझी तक 24 के चुनाव में वोट मांग रहे हैं, लेकिन जब मिथिला नगरिया पहुंचे शाह तो बिना माता सीता का नाम लिए कैसे निहाल होते। तो मिथिला में सिया राम का जयकारा लगवाया और गिनाना शुरू किया काम जो अटल से लेकर मोदी सरकार तक ने किया राजकुमारी मैथिली के क्षेत्र मिथिला के लिए। सड़कों से आसान हुए सफर की और पुलों से पाटी गई दूरियों का जिक्र करते हुए नैया पार लगाने की अपील की। वैसे तो विपक्ष बीजेपी के बड़े नेताओं के राम नाम की रट पर बिफरा रहता है, काम गिराने की मांग होती है, लेकिन पांचवें चरण से पहले सियाराम के साथ काम का भी जिक्र। ऐसे में राम सीता और सौगात से क्या पूरी होगी आस, सवाल तो पूछेंगे लेकिन पहले देखिए हुआ क्या। मिथिला में माता सीता की चर्चा। मोदी जी ने नारा दिया वो जय सियाराम का, संघर्ष का नारा जय श्रीराम का। मोदी जी ने आगे माँ सीता को छोड़कर भक्ति और समर्पण का नारा दिया जय सियाराम। सीतामढ़ी में बनेगा भव्य सीता मंदिर। मोदी जी ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है माँ सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का। माता सीता के बहाने विपक्ष परवार। अपने आप को राम लल्ला के मंदिर से दूर रखे हैं, वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग समर्पण तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। राम सीता और सौगात, क्या बनेगी बात। हर चरण में प्रचार अभियान का रंग स्वरूप रूप बदलता रहा और अब पांचवें चरण से पहले राम नाम का रट लगाए नेता माता सीता को याद कर रहे हैं, आखिर क्यों, सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडल्य जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष पांडे जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, आखिर क्या परिस्थितियाँ ऐसी बदल गई कि अब तक माँ सीता का नाम चुनावी मंच से नहीं लिया जा रहा था, अब क्या जरूरत पड़ी। मनीष जी, नहीं, ये तो राम के साथ सीता जुड़े हुए हैं, राम का नाम लीजिए तो सीता अपने आप आ जाती हैं सामने, क्योंकि वह सीता की जन्मभूमि थी, वहाँ पर सभा थी, तो सीता मैया को याद किए बगैर सीतामढ़ी में कोई कार्यक्रम हो, यह संभव है क्या? और अगर यह संभव है तो उन्हीं लोगों के कार्यक्रम में संभव है जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि पर आपत्ति जताई, जिन्होंने भव्य राम मंदिर के निर्माण पर आपत्ति जताई और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज की कि इस पर सुनवाई रोकी जाए, इस पर सुनवाई नहीं की जाए। अमित शाह जी ने माँ सीता की भूमि पे जो कार्यक्रम किया उसमें अगर माँ सीता को याद किया तो क्या गुनाह किया, क्या कहेंगे शेषर जी? दरअसल सब कुछ इनको चुनाव के वक्त दीपक जी याद आता है, इससे पहले कुछ याद नहीं आता, भूले रहते हैं। बेसिकली बात जो मुद्दों की है, कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री ने अभी तक नहीं किया। आपको पता है जब ये बड़ोदरा जाते हैं, चुनावी सभा करते हैं गुजरात में, तो वहाँ ये कहते हैं, यानी इस देश के गृह मंत्री की बात मैं बता रहा हूँ, कि वो कहते हैं वहाँ कि एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लाएंगे गुजरात में और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। लेकिन वही गृह मंत्री जब बिहार आते हैं तो यहाँ बेरोजगार, यहाँ के युवाओं के बेरोजगारी पे
कोई बात नहीं होती इनकी, इनकी यहां बात होती है 5 किलो अनाज पर। दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूं कि ना बेरोजगारी पे बात, ना महंगाई पे बात, ना बिहार से जो यूथ्स का एक बहुत बड़ा वर्ग पलायन कर रहा है जो रोजगार खोजने के लिए, जहां जहां रोजगार के अवसर उन्हें मिल रहे हैं वहां जा रहा है, इस पर आज तक 10 वर्षों में न इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई बात की और न इस देश के गृह मंत्री ने बात की। ये राम को ठगे भी, राम को बेचे भी, अब सीता माता को भी ठग रहे हैं। सीता माता को भी जो है वो उसकी मार्केटिंग, जैसे सनातन की मार्केटिंग करते हैं ना, वैसे ही जो है उसकी भी मार्केटिंग करने का प्रयास है इनका। और सब कुछ चुनाव के वक्त ही इनको सूझता है। कांग्रेस पार्टी इन बातों का विरोध करती है। और मैं आपको बता देता हूं दीपक जी कि जिस प्रकार से ये हिंदू मुस्लिम इस चुनाव में करके तुरूप का अंतिम इक्का खेला है, इस प्रधानमंत्री जी के झूठ को देश की जनता पहचान चुकी है और देश की जनता इस 2024 के चुनाव में उसका जवाब दे रही है। दीपक जी चलिए मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, आस्था से जुड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का दावा बीजेपी कर रही है, लेकिन आजीविका से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो उससे कम आवश्यक नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो शिशिर जी की बातों का मैं संक्षेप में जवाब दे दूं कि अमित शाह जी के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये गुजरात में जाकर ऐसे करते हैं, बिहार में आकर ऐसे करते हैं। हमें अफसोस है, शिशिर जी इस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमें अफसोस है कि हम भी चाहते हैं कि उनके नेता भी बिहार आकर कुछ तो बोले। राहुल गांधी बिहार आए और बिहार आके कुछ बोले, हमारे नेता ने लेकिन बोला है। अब मेरी बात बोल दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए ना, आपको मैं सुन रहा था। बोलिए ना सर, बोलिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक कितने लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए और मात्र एक लोकसभा के में भागलपुर, वो भी कांग्रेस की सीट थी, वहां पर राहुल गांधी नजर आए। तो भैया, आपके नेता तो बोलने के लिए भी नहीं आते हैं। बोलने के लिए भी अगर बिहार में दर्शन देने आते तो आप जो बात कह रहे थे उसमें थोड़ी सी उसका श्रृंगार होता, थोड़ा सा शोभा बढ़ता। लेकिन आपके नेता तो ना गुजरात में दिखते हैं, ना महाराष्ट्र में दिखते हैं, ना उत्तर प्रदेश में दिखते हैं, वहां भी गए तो खड़गे साहब गए, और ना बिहार में तो दिखे ही नहीं। एक दिन कैसे कैसे दिख गए, उस दिन भी चाहते तो 2-3 लोकसभा में अपना चेहरा दिखा सकते थे। खैर, ये आपके पार्टी का मामला, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। आस्था और आजीविका के सवाल का मैं अब मूल सवाल पर आता हूँ। अब मूल सवाल क्या है आस्था और जीविका का? भाई ऐसा है कि इतने 10 वर्षों में बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिस प्रकार की यहाँ की सड़कें, जिस प्रकार से बिजली, जिस प्रकार से यहाँ पर हम सभी लोगों ने देखा कि एक मामूली सा, मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है, गांधी सेतु जो लंबे जाम चुक, मैं इसलिए गांधी सेतु में की बात कर रहा हूँ क्योंकि पटना मुख्यालय से उत्तर बिहार की ओर जब हम बढ़ते हैं, माँ सीता की जन्मभूमि की तरफ जब बढ़ता है लोग, तो सबसे बड़ी बाधा अगर कोई आती थी तो गांधी सेतु के जाम की आती थी। आज 10 वर्षों में वह वर्षों पुराना दशकों का जो जाम था उसको कितना भव्य तरीके से आज अगर उसको उसका समाधान करने का कोई किसी ने काम किया तो 10 वर्ष की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जो एक सेतु था, लोड था गंगा पर, आज कितने सेतु बन रहे हैं इसका उदाहरण है। दूसरी बात, जीविका की बात जहां तक आती है तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिस प्रकार से बिजली आई, सड़कें गए, ऑप्टिकल फाइबर्स हर गांवों में बिछाए गए, ये कहे प्रवासी अप्रवासी और पलायन की बात किए, अरे भैया आज इस देश में थोड़ा सा देखिए तो पुराने राग से थोड़ा सा बाहर निकलिए। आज पूरे देश में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की धूम मची हुई है। चलिए हम आएंगे आपके, हम बिल्कुल आएंगे, हम आएंगे, हमारे बिल्कुल मनीष जी आपकी बात हम पूरी सुनेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रमोद जी, ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि जिस तरह से अमित शाह आए हैं, आप लोगों की शिकायत रहा करती थी कि सिर्फ राम 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 का ही रट लगाए रहते हैं, लेकिन इस बार माता सीता की भी याद आ गई बीजेपी नेता को, और साथ ही जो मिथिला के लिए सौगात केंद्र की सरकार ने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या मोदी सरकार रही हो, उसका भी जिक्र किया है, क्या कहेंगे? जी प्रमोद जी ना। जी हाँ, लोकसभा के 4 चरण का मतदान जो है समाप्त हो चुका है, और आप 2019 के तुलना में 2024 की जब बात करेंगे तो चारों चरणों में बिहार में जो है मत प्रतिशत में जो है काफी गिरावट आई। ये बात को समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं वर्तमान में जो केंद्र सरकार है
और जो 17 वर्षों से एनडीए की जो सरकार है उस सरकार से कहीं ना कहीं लोगों के मन में उदासीनता है और एक आक्रोश का भाव है। आक्रोश का भाव इसलिए है कि जो देश में जन सरोकार का जो मुद्दा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी बेरोजगारी चरम पर है, 83% देश का युवा जो है बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, गरीबी भुखमरी तमाम मुद्दों को लेकर के, संविधान को बचाने की जो कवायद है, लोकतंत्र को बचाने की जो कवायद है, ये लोग जो बार बार आरक्षण पर जो हमला कर देते हैं, तो सवाल उठता है कि इन तमाम ज्वलंत मुद्दों से ये भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं और जिन मुद्दों से देश की जनता का कोई सरोकार नहीं रहता है उन मुद्दों का आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो चरण दर चरण जो बयान आया, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी मटन, कभी मंगलसूत्र, इन्हीं मुद्दों पर रहा। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में जिन वायदों को कहने का काम किया और मात्र 17 माह की सरकार में उन वायदों पर उस कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया, और अभी देखिए एक परिवर्तन पत्र के माध्यम से जो 24 जन वचन लाए गए हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ से, उसमें अगले 5 साल के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। देखिए केंद्र में 10 वर्ष से उनको उनकी सरकार है, 30 लाख सरकारी नौकरियां जो है रिक्त पद पड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारे नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख रिक्त पद देंगे, उसके अलावा नए पदों का सृजन किया जाएगा। इन्होंने देखिए कि कई सालों से रेलवे में बहाली नहीं निकाली है, तो देश का जो जो देश का जो युवा है आज जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है उस पर ये लोग कुछ बात नहीं करते हैं। आप देखिए पलायन देश का जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देखिए विस्थापन की जो है स्थिति प्रत्येक साल बनती है, जो सीमांचल और कोसी का जो क्षेत्र है उसमें आप देखिए जब बाढ़ आती है तो बाढ़ की विभीषिका से हमारा जो है बिहार झेलता है, हमेशा बिहारवासी झेलते हैं। केंद्र में जो सरकार बनी 2014 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पे बनी, लेकिन उन लोगों ने इस पर कोई काम करने का काम नहीं किया, ना विशेष पैकेज देने का काम किया, और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए या उनके कैबिनेट के जो मंत्री आते हैं तो वो सब दिमाग जरूर दिखा के जाते हैं। जैसे चलिए जवाब मिलते जी जवाब ले लेते हैं मनीष जी, मुद्दों से भटका जी, एक सेकंड में हम अपना जवाब खत्म कर लेंगे जी जी। जैसे बेतिया के चीनी मिल से उत्पादित चीनी का वो चाय पीने की बात कहते थे, अभी मुजफ्फरपुर में पताही में आप देखिए कि 2014 और 19 में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन उसी मैदान में वो जनसभा करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, और 39 सांसद 2019 में इनको देने का काम किया बिहार की जनता ने, 39 सांसदों का जो विकास निधि था वो भी ठीक ढंग से बिहार के विकास के लिए उन लोगों ने नहीं काम किया। अब बताइए किस मुंह से वो जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट। बिल्कुल वही पूछ रहे हैं, चार चरण में तो जिस तरह से प्रचार अभियान चला, अब प्रमोद जी की समस्या क्या है कि प्रमोद जी का तो एक भी सांसद नहीं है, तो प्रमोद जी यह बात तो कह ही सकते हैं कि सांसद निधि का पैसा क्या हो गया, चूंकि इनको तो अपने एक भी सांसद होता तो यह जवाब देते और न ही आगे इनको संभावना दिख रही है। अब सुन लीजिए, प्रमोद जी अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं बड़े धैर्य पूर्वक प्रमोद जी आपको सुन रहा था। आप तो कश्मीर से शुरू हुए और कन्याकुमारी तक पहुंच गए है कि नहीं, जबकि आप बिहार से बाहर कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आपने सारी समस्याओं को गिनाया, आपने अपना न्याय पत्र जारी किया, आपके न्याय पत्र को कांग्रेस ने बगल में शिशिर जी ने तो अपना मुहर लगाया ही नहीं, यहाँ इनका जो न्याय पत्र है उस पर हमारी सहमति है, लेकिन आप अपना न्याय पत्र तो सब जो बाग अगर दिखाना हो, तारे तोड़ के ले आएंगे, आसमान से उठा के ले आएंगे, गिना देंगे, तो क्या दिक्कत है? जब हमको सत्ता में आना ही नहीं है, जब हमको देना ही नहीं है, वादे करना है कुछ कर लो। चलिए वो कह रहे हैं कि सब्ज बाग आप दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब्ज बाग वो दिखा रहे हैं, मैं यही बात। बहरहाल एक छोटी सी प्रतिक्रिया शिशिर जी की भी ले लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हम तुरंत आ रहे हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया बीच में ले लेते हैं शिशिर जी। है क्या ना कि भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी है झूठ बोलने की और झूठे वादे करने की। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ दीपक जी, आपको पता है 2014 में गिरिराज सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे नवादा से, और वहां प्रधानमंत्री जी की सभा हुई थी नवादा में, बारसलीगंज में एक चीनी मिल है, वर्षों से बंद पड़ा है, 1200 वर्कर्स उसमें काम करते हैं और लगभग सैकड़ों किसान उससे लाभान्वित होते हैं। नवादा में जब प्रधानमंत्री जी आए और जब उन्होंने सभा की तो उन्होंने कहा कि मित्रों मैं अगली बार जब आऊंगा और हमारी सरकार बनेगी तो मैं इसी चीनी मिल की चाय नवादा में पीऊंगा।
आज मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि सीतामढ़ी के रेगा में उन्होंने यानी अमित शाह जी ने यही वादा किया है। मैं तो यह जानना चाह रहा था कि 10 वर्ष बीत गए, आखिर प्रधानमंत्री जी को ये अपने वादे याद है या नहीं है। चलिए, किस बात की गारंटी, यही पूछ लेते हैं। मनीष जी बताइए, मैं आंख डाल करके झूठ बोल, देखिए ऐसा है, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं तो आपको वह मुबारक, देश की जनता को ऐसा नहीं लगता, इसलिए 14-19 में अपार बहुमत से जिताई और 24 में भी दिखाई गया। अब सुन तो लीजिए ना, अरे भाई अब सुन लीजिए ना, अब देखिए क्या है दीपक जी, ये चीनी मिल की बात कर रहे हैं। आज मैं भी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में लगा, मनीष जी को ये चीनी मिल की बात नहीं है, आस्था से आप बात कर रहे हैं, आजीविका से जुड़ा सवाल था, ये आजीविका वाली बात है, एक चीनी मिल को उदाहरण ना, मैं आ रहा हूँ जी। आज इथेनॉल युक्त गाड़ियां, आज इथेनॉल का जो प्रभाव पूरे देश में बढ़ने वाला, पेट्रोल का विकल्प के रूप में आज इथेनॉल आने वाला है। बिहार में मकई के दाम, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिएगा, बोलिएगा बीच में, देखिए मनीष जी अगर बीच में बोलिएगा तो फिर आपको भी बोलने, नहीं 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 वैसे नहीं, वैसे नहीं, सर में बैठे हैं तो उसको माफी क्या करते हैं, आप बात थोड़ा सुने, आप तो चुप रहिए ना, सुनिए, आज इथेनॉल की फैक्ट्री खुली, आज फर्टिलाइजर का जो मनीष जी बंद कारखाना था वह चालू हुआ, बोटलिंग प्लांट चालू हुआ, मकई का रेट जो 900 और 1000 था आज 2000 रुपए का रेट आज इसलिए मिल रहा है, चीनी मिल से सिर्फ गन्ना किसानों को फायदा होता, लेकिन आज जो इथेनॉल के फैक्ट्री खुले हैं उसमें गन्ना मक्का और अन्य सारे कई प्रकार के किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। आप अर्थ बात करते हैं चीनी और चाय, अरे चीनी से बाहर निकलिए ना, चीनी से तो आप लोग दूर जा रहे हैं, अब तो जो नहीं, जब तक चाय वाला है चीनी को कैसे भूलेंगे मनीष जी, चीनी तो याद आती ही रहेगी ना, विकल्प इथेनॉल दिया ना, उस इलाके के किसानों को जाकर पूछिए, आज से 10 साल पहले मक्का का कीमत क्या मिलता था और आज मक्का का कीमत क्यों ज्यादा मिल रहा है, इसलिए उन इलाकों में इथेनॉल की फैक्ट्रियां खुल गई, आज मक्का का डिमांड बढ़ गया, गन्ना का डिमांड बढ़ गया है। मोदी जी जो सोचते हैं जहां वहां कांग्रेस, तो वहां से जहां से शुरू होती है वहां तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाती है, और आज यही विकास का आलम है। इन्होंने भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना लाया था, क्या हुआ उस योजना का, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी जो योजना लाया, आज देखिए हर घर को बिजली पहुंची है। दरअसल सुन लेते हैं शिशिर जी को, दीपक जी क्या है ना कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है और कोई इनके पास तर्क नहीं है, केवल कुतर्क दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यूपीए सरकार ने क्या किया, चाहता हूँ अभी डेटा दे रहे थे, सुन लीजिए एक बार, क्या पूछना चाहते हैं वो सुन लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मनीष जी, क्या पूछ रहे हैं, अभी ये मक्के के दाम की बात कर रहे थे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि अपने मैनिफेस्टो में ये लिख सके कि हम MSP को लीगलाइज करेंगे, और जो है उसको लीगलाइज करेंगे, 2014 के पहले जो चलिए ठीक है, एक बार ठीक है शिशिर जी, मनीष जी ठीक है, हम एक बार प्रमोद जी के पास चलते हैं। ये किसानों ने 2014 में भी, इसलिए देश की जनता 2024 में प्रधानमंत्री, चलिए 24 में क्या होगा वो सबकी नजरों के सामने होगा। ठीक है मनीष जी, शिशिर जी, हम एक बार प्रमोद जी के पास चलते हैं, वो क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। जी प्रमोद जी सुन रहे हैं आप बातें, देखिए अभी मनीष जी किसान की बात कर रहे थे, फसल की बात कर रहे थे, तो इसको समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि काला बिल लाने का काम किया और लगातार साल भर से अधिक दिनों तक आंदोलन चला और उसके बाद फिर इनको वापस लेना पड़ा। तो इससे आप समझा जा सकता, अभी हम गए थे सोनीपत, तो दिल्ली से जो बॉर्डर का जो सीमा जो है, हरियाणा से बाहर मत निकालिएगा प्रमोद जी, बिहार की राजनीति करते हैं आप, केंद्र में आपकी 2014 में आपकी सरकार है, तो बिजली पहुंचाई थी आपने 15 वर्ष बिहार में शासन किए थे,
हर खेतों में डीजल इंजन रहता था पड़ा हुआ मेरे पास, डीजल से खेती होती थी, पेट्रोल होता था 2014 के पहले। आप किसान के हित की बात कर रहे हैं, बिहार में रहिए, बिहार में कहा था कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, बजट दुगना हुआ है, आप किसानों की आमदनी दुगनी हुई है, किसानों को हर साल 6000 रुपए उसके अकाउंट में जाता है, ये राशि और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, आप चिंता मत कीजिए। चलिए सरकार आएगी तो ये सब हो जाएगा, सरकार नहीं आएगी तो क्या होगा उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग है। बहरहाल वक्त हमारा पूरा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर कौंडल्य जी, मनीष पांडे जी और प्रमोद सिन्हा जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल क्या स्थिति बन रही है ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझने के बाद 20 तारीख को अपना मतदान जरूर कीजिएगा अगर आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो। हालांकि इसके बाद भी दो और चरणों में चुनाव होंगे तो 4 तारीख को नतीजे सब साफ कर देंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।